हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. दिस इज योर बॉय मंसूर फ्रॉम पाकिस्तान. सो कैसे हैं आप सभी? एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक. सॉन्ग जो है ना आज का, ये मैंने आपको बताया था कि इसको जो मैं कवर करूंगा, थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन इसको मैं अभी कवर कर लेता हूँ. सॉन्ग नेम इज रिग्रेट और आई गेस उर्दू में पछतावा कहते हैं. इंसान कहता है ना, मुझे इस चीज़ का पछतावा है, काश ये मैं ना करता. तो रिग्रेट उसी को कहते हैं जहाँ तक मेरी उर्दू जो है वो करती है. तो सॉन्ग जो है जेविन गिल का है और साथ में फीट जो है तला अंजुम की है. सॉन्ग आप भी सुन चुके हो, मैं भी सुन चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा यार शॉर्ट के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिव्यू आए थे, व्यूज आए थे, तो इसको कवर करना बनता है. और पाकिस्तानी टैलेंट है और पाकिस्तानी, वही वाली बात है कि लोग देखना पसंद करते हैं तला अंजुम को, तला यूनस को. यंगस्टर्नर्स जो हैं तो फिर इसको कवर कर लेते हैं. तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और कोशिश करेंगे एक टेक के अंदर इसको निकाल लें, लेकिन जहाँ पे बोल अच्छे होंगे वहाँ पे मैं लाजमी पॉज करूंगा. तो चलो अब जो है वॉल्यूम अप कर लो अपने उसका और फिर जो है सॉन्ग सुनते हैं. होगी ना बात वही स्टार्ट. अच्छा, मेरी ना पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, बट राइम्स बहुत अच्छे जोड़े हैं. शक को और उसको आगे जिसके साथ जोड़ा है, बहुत अच्छा ना राइम, ठीक जा रहा है भाई लड़के का, नो डाउट. ऑटो ट्यून वाला सीन है बिल्कुल उसके अंदर. और इस तरह की ना वॉइस के अंदर हम लोग ज़्यादातर मोस्टली ना, मुझे सॉन्ग जो पसंद आते हैं ना, वो होते हैं करण ओजला के. अगर वो सुने ना तो वो थोड़ा सा उस टाइप का म्यूजिक आया और वो सारा कुछ. और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि गाने का नाम ही रिग्रेट है, पछतावा. तो वो अब जो है भाई का हो चुका है, तो अब जो है वो बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ. और वो जो मैं शक तुम पे करता था वो सिर्फ निगाह रखने के लिए. भाई अगर निगाह रखने की इतनी आपको पड़ी भी थी तो इसका मतलब आपको पहले से पता था कि वो भाग जाएगी. लेकिन फिर से स्टार्ट करते थोड़ा पीछे से, ये थोड़ा सा जो है ना अच्छा वाला रिव्यू जाएगा. That's my boy. Confidence. चुप हो गया बिल पे ले गया लड़का की पिया नहीं मेरे बिच नहीं लड़के ने बड़ा दिल से लिखा है यार, नो डाउट. रिस्पेक्ट फॉर लिरिक्स यार. लुक लुक नहीं कर जाऊंगा अब मजा आना शुरू है भाई. एट द एंड यही होता है भाई, नो डाउट नथिंग. ओके माइक चेक. तेरा अपना था जन्म कोई गैर तो नहीं,
पीता हूँ शराबे कोई जहर तो नहीं, नाम न चले कोई ऐसा शहर तो नहीं, मेरे बाग जो तू हो मेरे बगैर तो नहीं, लड़खड़ा के चल पड़े हैं खड़े तो नहीं, राइम्स वाज सो गुड। दामन पे हैं दाग जो के धुले ही नहीं, तू भूल गई हम भूले से भी भूलते नहीं, मेरे यार बदल गए थे या मैं बदल गया, मैं गिर के फिर संभल गया, बिखर गए सब तकाजे अब इंसाफ के यहाँ, एक तरफ गया काजी एक तरफ बदल गया, ओए ये अच्छे थे। एक मिनट, ये काजी और अदल आला जो था ना अच्छा था यार, ये अच्छा था कि एक तरफ काजी गया एक तरफ अदल गया, बहुत आखिर यार। इसको थोड़ा सा एक दफा दोबारा रिपीट पे सुनेंगे क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे जो मिस ना हो जाएं। अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ, लाइक अपना पाकिस्तानी टैलेंट है, अच्छा लिखा गया। ए यू गो, तेरा अपना था जन्म कोई जहर तो नहीं, पीता हूं शराबे कोई जहर तो नहीं, नाम ना चले, राइम्स वाज सो गुड, मेरे बाग जो तू हो मेरे बगैर तो नहीं, लड़खड़ा के चल पड़े हैं खड़े तो नहीं, डगमगा गए हैं लेकिन डर तो नहीं, दामन पे हैं दाग जो के धुले तो नहीं, तू भूल गई हम भूले से भी भूले नहीं, मेरे यार बदल गए थे या मैं बदल गया, मैं गिर के फिर संभल गया, बिखर गए सब तकाजे अब इंसाफ के यहाँ, एक तरफ गया काजी एक तरफ अदल गया, अब फिरेगी अपने और तू शिकार, एक सोच मार देती एक तू जो देती मार, इधर यार भी वो कर गए जो दुश्मन ना कर सका, लग के गले मेरे कमर पे कर गए वार, रियलिटी है भाई, बॉस रियलिटी है, ये आजकल का फैक्ट है। अब फील आई है भाई, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। No doubt, man. The thing is so good. The work was good. Work was so good, so good. This song is really good, yaar. Starting ke andar thoda sa maine jo hai na chhedkhani ki thi janbujh ke. Maine kaha thoda sa jo hai karte hain mood ko thoda up karte hain. But aage to yaar londa sent hi kar raha tha yaar. But the rhyme was so good. Bahut acha jo hai starting ke andar bhi likha Gil bhai ne. No doubt. ठीक है, ऑटो ट्यून आजकल वही हनी पाजी वाली बात है कि ऑटो ट्यून अच्छा होता है यार, आवाज़ अच्छी लगती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक लग रहा था सारा कुछ। तला अंजुम के जो वर्ड्स है वो बहुत अच्छे थे, उनमें राइम बहुत अच्छी थी, ईच एंड एवरीथिंग, खास करके वो वाली बात अदल अली वो बहुत अच्छी लगी, फिर वो जो है गले लग के जो है पीछे, आजकल की भाई सोसाइटी के अंदर यही चल रहा है, कोई आपका दोस्त नहीं है, अगर आपके पास कोई अच्छा दोस्त है तो यू लकी, और अगर आपके पास नहीं है तो भाई जान इस चीज़ पे रोना नहीं है। बकाया तो ये बात जो रहेगी कि रिग्रेट हो रहा है और बाद में पछतावा, यार क्या पछतावा, हो गया जो होना था, वही वाली बात है, आपकी लाइफ में से लोग जाते हैं, नए आते हैं और फिर और नए आते हैं, तो जो चला गया उसके लिए कोई पछतावा नहीं, उसका सफ़र आपके साथ इतना ही था, आपने उसका सफ़र पूरा किया, आप तो अच्छे रहे, टॉक्सिक होकर टूटा या जैसे भी टूटा, बस ख़त्म हो गया। अब उसको जो है वही वाली बात है, बैठ के क्या पीटना, लोग कहते हैं कि बॉयज़ मूव ऑन नहीं करते, ये बात रियलिटी है, बॉयज़ मूव ऑन नहीं करते अपने जो है उससे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, उसने अपने लिरिक्स में कहा है ना कि मैं चुप हो गया और फिर चुप, वो वाला सीन है कि बॉयज़ चुप हो जाते हैं। राइट नाउ जो जो मुझे सुन रहा है और ये बात वो फील कर रहा होगा, अगर किसी का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है या बाद में हुआ है, तो रिग्रेट थोड़ा सा होता है कि यार चल यार अच्छा टाइम गुजर रहा था, छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया, दोनों तरफ से कर लेते हैं ना, एक साइड को जो है कवर करना अच्छा नहीं लगता कि छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया, लेकिन सीन ये है कि निभाने वाला होना चाहिए। अगर निभा रहा है आपके साथ तो ठीक है, और स्पेस देनी चाहिए, यू हैव टू गिव स्पेस ईच अदर, या एक दूसरे को स्पेस दें, कोई बात नहीं यार, लाजमी नहीं है कि हर टाइम बेबी बाबा सोना बाबा वो करना चाहिए, ठीक है एक दूसरे को स्पेस दो, टाइम रखो, ठीक है यार इतनी देर बात हो सकती है, इसके बाद मैं काम करूँ ये करूँ वो करूँ, मोस्टली
रिलेशंस जो है उनमें क्लैश कहाँ से अभी चलते हैं, लाइक इस टाइप के एरा के टाइम के बात करो, वो रीज़न ही ये होता है कि आप टाइम नहीं देते, आप टाइम नहीं देती यार। हर बंदे का जो है ना एक पर्सनल लाइफ होती है, ये नहीं है कि यार आप जो है उसकी गर्लफ्रेंड या वो बने हो तो आप पर्सनल लाइफ जो है उसकी कम्प्लीटली एकदम से चेंज हो जाएगी। और मोस्टली यही होता है, लड़का भी जिस टाइम जो है लड़की को देखता है कहता है यार मैंने इसको चेंज करना, लड़की भी जब देखती है लड़के को तो यही सोचती है यार मैंने इसको चेंज करना। ये क्यों नहीं बोलते कि यार जैसा ये है इसके साथ इसी तरह का रहना। तो अगर मैं इस चीज़ पे बैठ के तकरीर करूंगा मेरे पास बहुत सी बातें हैं, बट द सॉन्ग वॉज सो गुड, बहुत अच्छा लगा। एंड नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।